अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हो? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने तवक्कलना ऐप से उमरा परमिट किस तरह से ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है तो उसके 14 दिन के बाद ही आप उमरा परमिट अप्लाई करें। तो अगर दोस्तों आपने दोनों डोज ले लिए हैं तो आप फिर भी ये परमिट अप्लाई कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आपने पहला डोज लिया है तो उसके 10-12 दिन हुए हैं तो आपको 14 दिन तक का इंतज़ार करना होगा। 14 दिन के बाद ही आप इस पर अप्लाई करें। अगर दोस्तों आप ऐसे ही उमरा करने जाएंगे तो आपको 10,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों हम अपने तोकला ऐप पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हुआ है सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है हज एंड उमरा सर्विस। तो आपने यहाँ पर इशू परमिट्स पर आ जाना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर वाला जो उमरा वाला नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। नीचे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपका नाम शो होगा तो आपने इस पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद दोस्तों आपने यहां से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आप यहां से देख सकते हो कि मुझे डेट शो हो रही है। मैं 11 को जा सकता हूं, 12 को, 13 को और 14 को, यहां पर काफ़ी सारी हैं, 17 तक जा सकता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना टाइम वगैरह देंगे, किस टाइम आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो आपने अपने हिसाब से पूरा टाइम के मुताबिक आपने यहाँ पर क्लिक कर कर यहाँ से प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपका ये परमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने अपना मोबाइल भी साथ में लेके जाना है तो आपके मोबाइल से ये देखा जाएगा कि आपने परमिट लिया है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।